जैन साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, प्रतिदिन तरह जो आज की सीसीएच यूनिवर्सिटी की अपडेट है वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं जो आप लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके बारे में। तो साथियों, बच्चे सबसे ज्यादा परेशान हैं अपने एग्जाम को लेकर, यानी कि जो उनके एग्जाम होने हैं फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर या आपके फिफ्थ सेमेस्टर के, तो उनके एग्जाम कब होंगे। तो साथियों, उसके लिए आप चिंतित ना रहें, उनके जो एग्जाम फॉर्म है बहुत जल्द आने वाले हैं। आपके एग्जाम फॉर्म जनवरी में एग्जाम फॉर्म भरवाए जाएंगे, और जो आपके एग्जाम है वो जनवरी के लास्ट में या फरवरी में आपके एग्जाम होने वाले हैं। यानी कि जो आपके सेमेस्टर मोड के एग्जाम हैं वो आपके फरवरी के फर्स्ट वीक के अराउंड में कराए जाएंगे। उनके जो फॉर्म है वो आपके फॉर्म जनवरी में आपके फॉर्म फिल कराए जाएंगे, और हो सकता है जो आपके एग्जाम है जनवरी के लास्ट से भी स्टार्ट कराए जा सकते हैं, तो आप उसके लिए तैयार रहिएगा। इसके बाद में बात करें, जो बच्चे कमेंट बॉक्स में भी पूछ रहे हैं कि सर इस बार एग्जाम पैटर्न किस तरीके से रहने वाला है। तो साथियों, इस बार नई शिक्षा नीति के तहत आपका पैटर्न रखा गया है एग्जाम का पैटर्न। उसमें आपका जैसे आपका एनुअल एग्जाम होते थे जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, तो उनके भी इस बार सेमेस्टर मोड में पढ़ाई कराई जा रही है। तो उनके भी जो एग्जाम होंगे वो सेमेस्टर मोड में कराए जाएंगे, यानी कि उसके लिए आप तैयार रहिएगा। आपके भी जो आपके एनुअल कोर्सेज हैं उनके भी सेमेस्टर मोड में एग्जाम कराए जाएंगे। उसके लिए एक मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन पेपर आएंगे, कितने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, कितने सब्जेक्टिव होंगे, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं। इससे आगे बात करें, जो हमारे एग्जाम हुए थे स्पेशल के एग्जाम, उसके रिजल्ट को लेकर बच्चे चिंतित हैं, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं, जो स्पेशल के आपके जो एग्जाम हुए थे स्पेशल और बैक के, तो उसके लिए आपको अभी रिजल्ट के लिए वेट करना होगा। और जिनके प्रैक्टिकल हैं, यानी कि स्पेशल के एग्जाम भरे हुए थे उनके और उनके प्रैक्टिकल हैं, तो उनके प्रैक्टिकल 1 जनवरी से और 15 जनवरी तक कराए जाने हैं। उनके लिए 4 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं, तो वहां पर उनके प्रैक्टिकल कराए जाएंगे। तो यदि आप प्रैक्टिकल नहीं देंगे तो फिर उसमें आपकी एबसेंट आ जाएगी, तो इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। तो उनका जो रिजल्ट है, रिजल्ट उनका जनवरी के लास्ट में या फरवरी में ही आने वाला है, तो उसके लिए आपको भी वेट करना होगा। तो साथियों, ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर जस्ट फॉर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।